आज हम एक औषधीय ट्री की बात करेंगे जिसको आप जामुन के नाम से जानते हैं। जामुन जो यूजीनिया जेम्बोलाना व साइजीजियम कुमिनी के नाम से जाना जाता है, यह मिर्टेसी के कुल का है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग केमिकल कॉन्स्टेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसकी बार्क के अंदर आप देखेंगे कैम्फिरोल, कुर्सेटीन और बीटा सीटोसिट्रोल पाया जाता है। इसके फ्रूट के अंदर यानी जामुन के अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट होती है और यूजीन इसके अंदर पाया जाता है। इसका जो बीज होता है उसके अंदर इलेजिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड पाया जाता है और इसके जो पत्र होते हैं उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अमाइनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसीन, टायरोसिन। इसका प्रोपेगेशन हम एयर लेयरिंग के माध्यम से यानी कि गूटी के माध्यम से करते हैं। जब शाखा 1.5 से 2 इंच मोटी होती है तो इसमें हम गूटी बांध देते हैं और इसका हम प्रोपेगेशन करते हैं। बीज के माध्यम से भी इसका प्रोपेगेशन किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके औषधीय उपयोगों की। तो इसका उपयोग एंटी एमेटिक यानी कि उल्टी आने से रोकने वाला, डायरिया में, डिसेंट्री में, डायबिटीज़ में, मिनोरेजिया की समस्या में, अनीमिया में इसका उपयोग किया जाता है। इसके फल का जो सिरका होता है वह मधुमेह नाशक होता है। व्रण रोपण के लिए इसका बार्क का फाइन पाउडर हम बना लेते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं। पित्तज वमन की समस्या हो तो जामुन के कोमल पत्र जो आप देख रहे हैं इनको हम ले लेते हैं और इसका उपयोग हम आम के पत्ते के साथ मिलाकर हम करते हैं। दोनों का क्वाथ बनाकर दिया जाता है। शिशुओं में दंत उद्भव के समय नेत्राभिस्यंद, आँखों में खुजली होना और इस तरह की अगर समस्या होती है तो उसका डिकॉक्शन बनाकर अप्लाई करते हैं। संग्रहणी, अतिसार और प्रवाहिका, इस समस्या से निदान पाने के लिए इसकी गुठली का चूर्ण बनाते हैं और मधु के साथ इसका सेवन कराया जाता है। प्रदर रोगों में इसकी छाल का क्वाथ चावल के धोवन के साथ दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। रक्त अतिसार की समस्या हो तो इसकी छाल का चूर्ण बनाकर दूध के साथ सेवन कराया जाता है। पके हुए फल मूत्रल का कार्य करते हैं यानी डायुरेटिक का कार्य करते हैं, जो कि मूत्र क्रच, डिस्यूरिया की समस्या होती है, पेशाब नहाने की समस्या होती है उसका निराकरण करते हैं। पत्रों की पुल्टिस, पत्रों को पीसकर चटनी जैसा बना लेते हैं और दुष्ट व्रण जिसमें कि क्यू की समस्या हो उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। पिलिहा और यकृत, स्प्लीन और यकृत दोनों, स्प्लीन और लीवर दोनों के लिए इसके सुरस का सेवन कराना चाहिए। अस्मरी की समस्या हो तो जामुन के सुरस में काली मिर्च मिलाकर सेवन करवाना चाहिए और अगर पशुओं में किसी कारण से उनके पैरों की मूवमेंट कम हो गई है, जॉइंट में पेन है या इन्फ्लामेशन है किसी कीट के दंश से या उसके विष से, पशुओं के जॉइंट में अगर सूजन जैसा हो रहा है तो इसको छाल लेकर नीम की छाल के साथ मिलाकर और सरसों के तेल में पकाकर उसको लगाना चाहिए। कुछ दिनों में उसकी इन्फ्लामेशन और उसका जॉइंट पेन पशुओं का दूर हो जाता है। कई बार सीजन में आम के ज़्यादा मात्रा में खाने से इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है, उससे निराकरण के लिए पके हुए जामुन के फल खिलाने चाहिए 2 से 4। देखेंगे कि चमत्कारी तरीके से आम के कारण, ज़्यादा आम खाने के कारण जो
इंडाइजेशन की समस्या हुई है वो दूर हो जाती है। फिर हम मिलेंगे आपसे आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु अपने अगले प्लांट के साथ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम।